ऐसा शख्स जो ऐसा शख्स जो वाहिद भी बेशक वाहिद हो लेकिन इस जगह पर तब्दील जा सके। साधुएंजन शिन्युक्चांग है ये रुद्र सर्मिंग है। हिमाल की किताब 16 बाद में एक मिसाल मिलती है। भावरी रासरम का रुदिया रासरम ही मान लेना। पॉल जो है वो लुदिया नामी आदमी से मिलता है। लुदिया नन कनारा रसाई सरम और ये भी आशीन सरम है। लुदिया जो शख्स है वो उस इलाके में को बदलने वाला शख्स और संगियों के पोगम में खास हुई सबको जो जो गॉस्पल पॉल के पास थी यीशु ने में खारे छोजु शिन चन तो लगा जो इस तरह सरम है। यीशु सी के बारे में उसने जो मुरादी की इवरके मानना के देशो वो लुदिया के साथ मिला। पाउरी लुदिया के संगे बोगों का संगे संदूर चंदा रहनी पॉल को जो पॉल के पास जो खुशखबरी थी वो उसने लुदिया के दिया वो लुदिया ने कबूल की। खरनी लुदिया का क्योहरे से वो को खर्चिए के साले को नारा रे साले ने नहीं बोले। और फिर लुदिया जो शख्स है वो उस पूरे इलाके को पूरे मुल्क को बदलने में उसका बहुत अहम किरदार है। आजंगा जिंदा इसी तरह से यूएई दो थिमुपसी खनारा साले सरा भी इसमिला लुदिया की तरह हर मुल्क में ऐसा कोई ना कोई शख्स है। यूरोपन चुंगे खरीदारा में इक्की रेबारा उस आप लोगों में से कोई शख्स वो हो सकता है। चाहिए खसारा में के संगीत से मारा भोगम गुआ यीशु ने में कार्य चेंज उसे चंद्र चंद्र आगे रोने ऐसा शख्स जो बाइबल में जो यीशु मसीह आए हैं उनका अच्छी तरह से समझ सके और आगे लोगों को मनाती कर सके। यूरोपन 그냥 열심히 해서 교회를 크게 세운다고 유해를 복음화할 수 있는 건 아닙니다. 다시 한번 교회를 크게 세운다고 유해를 이 나라를 복음화할 수 있는 건 아니다. 에서 즈루이딩에 게 함께 बहुत बड़ा चर्च बनाए तभी इस मुल्क में मुनादी हो सकती है। 우리 한국에는 80만 명이 모이는 교회가 있어요. 코리아에 जो है ऐसा चर्च भी जिसके 80,000 मेंबर है। 그 교회가 우리나라를 복음화시키지 못하고 있습니다. लेकिन उस चर्च से भी मुनादी जो है नहीं हो रही। माजर के साथ आप लोग इस कलाम पे ध्यान दें मूवी वहां बन रही है आपको चाहिए कि हम आपको दे दें। 오히려 많은 사람들이 그 교회를 비난합니다. 사실 뭐 많은 사람들이 그 교회를 욕한다고. 자해 뭐 बहुत से लोग वहां जमा होते हैं लेकिन वहां पर काम नहीं हो रहा। 교회는 크지만 나라를 살리지 못하고 있습니다. 자해 चर्च कितना भी बड़ा है लेकिन उस मुल्क में तब्दीली नहीं आ रही। 여러분 교회 부흥시키는 게 중요한 게 아닙니다. इसलिए चर्च को बड़ा करने का कोई फायदा नहीं। संगोरल मानी मोउने के जुमियांग के आनिदा। बहुत सारे लोगों को जमा करने का फायदा कोई नहीं। संगेंगे से मारानन जवाखान बोगुम्बल येरोबंदरी अल्गो मिनन के जुमियागो। सबसे जरूरी जो बात हुई है कि बाइबल में जो खुशखबरी है उसको सुन के उसको अच्छी तरह से समझना है। यीशु ने भी गारंटी जुशिन जनदर जवाखागे आनन के से जुमिया। जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है उसको गहरे तौर से जानना है। जा सिगानी उसनिका संगेंगे से मारान बोगुम्बल से चलके हमने समझ हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए जो बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो हम बहुत शॉर्टली आप तक पहुंचाएंगे। और मेरी गुजारिश है मेरे पास भी क्योंकि इंग्लिश कोरियन बाइबल है उर्दू बाइबल में से आप जल्दी जल्दी हवाले निकालिएगा और साथ साथ पढ़िएगा। आप बताइए योहान्बोगम 20장 31절 잠시 보겠습니다. 요한복음 20장 문 닫았어요. योहन्ना के एंजील उसका 20वां बाब 20장 20장 31절 31 31वीं आयत 20वां बाब 31वीं आयत। 자 이거는 매우 중요한 구절입니다. 요한복음 20장 31절 लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। नहीं इगोसन संगियोंगी वे किरो देवनंजिरे मारागो इन्हें पूछेंगे। बाइबल में ये सब चीजें क्यों लिखी गई हैं उसका मकसद ये आयत बयान करती है। संगियों चंचे हेक्सिमिंडा बाइबल का जो है कोर वो ये आयत है। काजन चुम्यान पूछेंगे। बहुत खास आयत है। 아, 성경을 하나님께서 왜 주셨는지 이유입니다, 이게. 다시. 성경을 주신 이유라고. 아, 하나님이 이 कलाम क्यों दिया गया है उसका मकसद याद बयान करो। 여기 뭐라고 기록돼 있냐면 क्या लिखा गया है यहां पर? 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 합니다. 야 लिखा है कि खुदा के बेटे यीशु जो मसीह है उस पर ईमान लाना चाहिए। 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿으면 그 이름으로 말미암아 생명 얻는다 그랬어요. 저 부다카 베타 마시에 그 उस पर ईमान लाकर आगे बढ़ना 생명을 얻는 것은 따라오는 겁니다. 성령 생명을 얻는 것은 그냥 따라오는 선물이라고. अगर आप मसीह पर ईमान लाते हैं तो आपको जिंदगी मिलती है और वो जिंदगी
빠그라그다게 핵심은 뭐냐? 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 겁니다. 또 저 진짜 खास बात है वो ये है कि जो खुदा का बेटा यीशु है जो मसीह है उसको समझना जरूरी है. 오늘날 전 세계 교회는 그냥 예수님 믿는다. 예수 그리스도 믿는다고 얘기합니다. 이상 दुनिया में जितने भी चर्चेस हैं वो सब यही बताते हैं कि यीशु पर ही मानना है, यीशु पर ही मानना है. 예수 믿는다. 예수 그리스도 믿는다. 그게 아닙니다. 레겐 예수 주 메시아 उस पर ही मानना है ऐसा बयान करने वाले चर्चेस तकरीबन नहीं. 예수를 그리스도라고 믿어야 돼요. 예수 제 뭐 크라이스트 메시아 है ऐसा जानना बहुत जरूरी है. 예수를 그리스도라고 정확하게 아는 사람이 예수 그리스도 믿는다 이렇게 얘기합니다. अगर ऐसा कोई शख्स जो यीशु को मसीह जानने के बाद उस पर ईमान लाए तभी वो ईमान में कामयाब और तरक्की कर सकता है. 예수가 그리스도다 이게 복음입니다. 예수 메시아 예 안진 해. 아, 성경의 초대교회 모든 사도들은 예수가 그리스도다라고 전했습니다. 다시 한 번요. 초대교회 모든 바울이나 베드로는 오케이. 예수가 그리스도라고 전했다. 저 पहले चर्चेस थे जो जिन्होंने चर्चेस की बुनियाद रखी उन तमाम चर्चेस में यीशु मसीह है उनको समझ में आया तभी वो चर्चेस की बुनियाद रखी और वो आगे बढ़े. 그런지 안 그런지 성경 한번 찾아보겠습니다. 우스키 बारे में हम बाइबल से ढूंढते हैं. 사도행전 2장 36절 दूसरा बाब 2장 36절 दूसरा बाब उसकी 36वीं आयत एमाल की किताब दूसरा बाब उसकी 36वीं आयत. 자, 베드로의 설교가 나오는 구절입니다. 바스피스는 사라 그러나 이긴 자네 제가만 2장이요. 2장 36절. 우리 예수고 주세 तुमने मसलूम किया खुदावन भी किया और मुझे भी. यस. 오케이. 베드로가 한 번 설교했는데 3000명이 돌아왔어요. जब पतरस ने कलाम किया तो कितने लोग आए 3000 लोग इकट्ठे हो. 뭐라고 설교했냐? उसने क्या कलाम दिया? 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도 되게 하셨다. तुम लोगों ने जिस शख्स को सलीब पर चढ़ाया यीशु को वो खुदा का बेटा मसीह है. धर्म मानो नहीं का शिक्षा ले मुक्त पगन कु यीशु का क्रिस्टो दा नहीं का शिक्षा ले मुक्त पगन कु यीशु का क्रिस्टो दा शिक्षा का मुक्त पगन वो नहीं का शिक्षा ले मुक्त पगन जिसको तुमने सलीब पर चढ़ाया वो खुदा का बेटा मसीह है. पेद्रो ये मैसेज का यीशु का क्रिस्टो ला. 베드로 사제 पैगाम तो ये था कि यीशु है वो मसीहा है. 이럴 때 수천 명이 돌아오는 일이 벌어졌어요. 아, 이게 바로 순간 3000명의 크립 로그 점화. 자, 사도행전 2장에는 바울이 돌아오는 장면을 봤나요? 볼때 해. 바울이 예수님을 믿고 바로 복음 전하는 내용이 사도행전 9장 22절에 있습니다. 9장 22. 바이스미 아이. 남의 바퀴 바이스미 아이. 또 जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया. 사울이 회개하자마자 바로 예수를 그리스도라고 사도행전 9장 22절 9장 남의 바퀴 바이스미 아엣 लेकिन सौल को और भी कुवत हासिल हुई होती गई और वो इस बात को साबित करते कि मसीह यही है दमिश्क के सामने रहने और यहूदियों को है दोबारा रिकवर हुआ अपनी तकलीफ से तो उसको क्या विजय मिला खुदा ने क्या सिखाया कि यीशु मसीह है. 처음부터 예수가 그리스도라고 전했어요. 시루 선 예수 मसीह है यही उसका पैगाम. 사도행전 17장을 보겠습니다. 17वें बाब में हम जाते हैं. एमाल्की किताब 17वें बाब में 17장 3절 उसकी तीसरी आयत देखते हैं. 17 बाब उसकी तीसरी आयत हम देखेंगे. 17장 जी नजर आपके बाइबल में जरा गौर से सुनिएगा. और उसके मायने खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है. यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है. 사도행전 9장부터 사도행전 17장 사이에는 한 20년 정도 걸렸습니다. 20년? 20년. 에마기 기타브 9회 밥에서 레게 17회 밥까지 तकरीबन 20 साल का अरसा है. 14년 아라비아로 갔었고 14 साल जो है वो अरब में था. 그리고 안디옥에서 1년 가르쳤고 1 साल एंटियोक में था. 그리고 1차 선교 여행을 3-4년 다녀왔습니다. और फिर एक और जगह जाता है जहां से 3-4 साल वो मनाते हैं. 사도행전 17장은 2차 선교 여행 중에 있습니다. और ये दूसरी बार है जो 17वें बाब में बात आती है जब पौलुस रसूल याद 20년이 지났어요. और ये जो अरसा है नवे बाद से लेकर 17 बाद तक 22 साल मैसेज हाना इसमें
아니 22살의 메시지 로 베이키 타. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 전했어. 우리 바이블까지 메시지는 예수 마시해 예히 그가 메시지. 성경은 메시아를 얘기합니다. 바이블 बताती है कि बाइबल मसीहा के बारे में बताती है. 구약 오실 메시아. 구약의 다음에 메시아 아이가 신약 오실 메시아. 나야 다음에 그 메시아에 관해. 성경은 메시아 얘긴데 우리 바이블은 메시아에 관해 말합니다. 누가 메시아냐? 그 메시아 누구냐? 예수가 메시아다. 그 예수히 메시아. 이걸 성경 전체를 통해서 예수가 메시아라고 바울이 메시지를 전했습니다. 바울가 바울서 쓴 그 메시지가 뭐지? 이게 구약에 나야 다음에 예수히 메시아. 18장 5절입니다. 18번 바울이 5절을 볼게요. 1 페이지 접어 보시죠. 18번 바울이 5절. 18장 5절. 어드슬라스와 도모티아스 मसदोनिया से आए तो पौलुस नाम सुनाने के जोर से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है. यीशु ही मसीह. 하나님의 말씀에 붙잡혀서 하는 메시지가 예수가 메시아다라고 얘기합니다. 그다음에 이제 उसको पैगाम मिला वो ये था कि यीशु ही मसीह है. 18장 28절입니다. इसके 28वें इसी बात के 28वें देखिएगा. 18장 28절. 다윗은 그것을 예수가 메시아구나 사박하게 बड़े जोर शोर से यहूदियों को अलानिया काल करता था. 이 아볼로에 대한 질문에 아볼로에 대한 얘기입니다. 아볼로가 예 바울스는 바울스께 सामने की थी. 바울의 제자 그리스가 부부가 아볼로를 도와줬죠. 바울의 제자? 아 바울의 제자가 브리스가 부부인데 브리스가 부부가 아볼로를 도와줬다고. 즉 바울 폴로스 수가 저 샤길 타 브리스킬라 우스카 husband 타 뭐 아볼로스 아볼로가 이 완전히 변화돼서 예수가 그리스도라고 메시지합니다. 아라 폴로스께 예수가 क्या पैगाम था कि यीशु ही मसीह है. 자 사도행전 2장 베드로. 남한테 기타 두세 번에 파트라 사도행전 9장 17장 18장 바울 남의 밥에 17번 밥에 18번 밥에 폴로스 예수 그리고 브리스길라와 아볼로 브리스길라와 아볼로스 उसके बाद आते हैं. 이들의 메시지가 하나였어. 인 सबका मैसेज एक ही था. 예수가 그리스도다. 예수 ही मसीह है. 자 사도행전 5장 42절 한번 보겠습니다. 5번 밥기 42번에 देखेंगे. 5장 42절 남한테 기타 5번 밥기 42번에 5장 42절. 5의 밥기 42장. 로즈 और वो हेकल में और घरों में रोज तलील देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाजना. खुशखबरी क्या थी? यीशु ही मसीह है. और कुदरीराको यगियामे सादोदर यगियामिदा. ये जो और वो लोग जो जिक्र है वो लोग वो सारे जो लोग थे वो हमारे अपोस्टल्स हैं. 그들이 날마다 자기 날마다 और रोजाना 집에 있든지 성전에 있든지 चाहे घर पर हो चाहे हेकल में हो. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 우리 그 잡히 됐다. 이게 사도들의 모습이었습니다. 예 자기들과 모습. 아들 자 요한일서 5장 한 구절만 더 보겠습니다. 아, 벨라야 하나. 요한일서 5장 1절. 그가 5번 밥, 그것이 벨리야. 요한일서 5장 1절. 벨라야 하나. 요나 감카. 요나가 벨라 감카. 그가 5장. 5번 밥. 1장. 5장 1절. 그것이 벨리야 되겠네. 그가 이 이만 해. 그 예수 ही मसीह है. 그가 구다에서 태어나 हुआ है. और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께부터 난 자다. हर वो शख्स जो यीशु को मसीह मानता है सिर्फ वो ही खुदा से पैदा हुआ. 하나님께로부터 난 자가 구원받은 자입니다. 하나님께서 하나님께로부터 난 자, 하나님께로부터 난 자가 구원받은 자. हर वो शख्स जो जो इस बात पर ईमान रखता है खुदा के वसीला खुदा उसके ऊपर निजात होता है. 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 하나님께로부터 나고 구원 받습니다. 예수 मसीह है यही जानने के बाद हमें निजात मिलती है. 이게 사도 요한의 메시지입니다. 예 요나가 메시지예요. 자 여기 목사님들 계시잖아요. 야담함 파디아스라도 잠깐 한번 생각해 보세요. 에반 도바라스지에 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도이심을 믿게 하려 합니다라고 기록돼 있고요. 야코 저 칼람에 लिखा है वो ये है
कलाम में जो लिखा है कि यीशु मसीह है, इसी बात पर ईमान रखना है। साधुदलिगुआ छुदेगे मैसेजी तो यीशु का क्रिसुरा बोलने से। जो पहले चर्चेस की बुनियाद रखी गई, उसका मैसेज भी यही था कि यीशु मसीह है। उन्हें लग चल सके ना ये यीशु का क्रिसुरा को हमने पोगो मी सारा जैसे। आजकल के चर्चेस में अगर आप देखें तो इस तरह की अंजीन हम नहीं मिला। यीशु का क्रिसुरांगल आ रहा है आज फिर के मिडिल का। अगर हम ये बातें सिखाएंगे तभी इस बात पर लोग ईमान ला सकते हैं।여러분 이 자리에 목사님들 계시잖아요. 이 자리에 우리 석 तमाम 목사님들 여러분들이 이 말을 정확하게 알아듣고 정확하게 믿기 시작을 하면 अगर ये बात आप लोग अच्छी तरह से जान लें और फिर इस पर ईमान लाएं 여러분의 UAE를 살려낼 수 있습니다. तो ये UAE जो है इसको आप तब्दील कर सकते हैं। 그리고 무슬림을 살려낼 수 있습니다. तो इस यूएई में मुस्लिम जो कम्युनिटी इसको बदल सकता है। बोगुमे जेनिन येशु का क्रिसुदा योगे बोगुमेनिदा। जो टाइटल है जो टॉपिक है वो ये है कि येशु ही मसीह है। येशु का क्रिसुराने गसी बोगुमेगो इसे इरके मिदे। इस खुशखबरी येशु ही मसीह इस खुशखबरी को हमें मानना होगा। जा क्रम येशु का क्रिस्तो इ मारे मंजे जगह समझाएगासिंदा। अब ये बात क्या अभी तक आपको समझ में नहीं आई होगी कि यीशु मसीह बार-बार कहे जा रहे हैं। अब हम आपको समझा देंगे। यूरो मानिराते इमार सोंगाखागे आराधनोय देनिता। इसको जरा गौर से सुनिएगा। येशुगा क्रिस्तोदाराको सल्मेंगागी वियेसो क्रिस्तोल मुंजे सल्मेंगागेसिंदा। अगर येशु मसीह है ये अगर समझा सकेंगे तभी आप मसीहा के बारे में भी समझा। क्रिस्तो मुसुन तेसिमिका। मसीहा का मतलब क्या है? गिरम बूम मादुन जारा तेसि। अनॉइंटेड किंग। गिरम बूम मसा मसा किया हुआ बादशाह। वियागे सेचपुन हंतेमान गिरमल बोदेसे। अगर आप पुराने नाम में देखें तो तीन जगहों पर हमें तेल से मसा होने की मिसाल मिलती है। वन बादशाह छेसा जा बादशाह को मसा करते थे, फिर नबी को मसा किया जाता था, संजीजा और फिर काहिन को मसा किया। यो सेजोंग्यो ए सरामान थेमान किरम बोजेसे। इन तीन लोगों पर ही तेल से मसा किया जाता था। क्रिस्तो क्रिस्तो란 뜻은 무슨 말이냐? 요 세 가지 직분을 완벽하게 감당하시는 완벽하게 참왕 참제사장 참선지자를 메시아라고. तो मसीहा का मतलब जो क्राइस्ट का मतलब है वो भी यही है कि कामिल काहिन, कामिल नबी और कामिल बादशाह।구약에는 이 메시아하고 가장 비슷한 모습으로 하고 있는 구약의 사람은 사무엘입니다. 구약의 애나메에 메시아에 सबसे नजदीक मिलने वाली शबीह जो शख्सियत है वो है सैमुएल की। 사무엘은 거의 왕이었으며 제사장이었으며 선지자였습니다. 사무엘 था वो बादशाह भी था, वो नबी भी था और वो काहिन भी था। 근데 그분도 불완전했습니다. लेकिन उसमें भी कमी थी, खामी थी। 참된 왕이 필요합니다. उनको फिर भी एक इंसान को फिर भी एक बेहतर बादशाह की फिरवाएंगे और एक बेहतर नबी चाहिए था। सम संजीजा और एक बेहतर काहिन चाहिए। वे क्रिस्तो का इरन तेसिल का है। क्यों मसीह की ये तीन चीजों का मतलब मसीह के साथ इगो इंगा ने मुझे वा यंग बंदे फाइलियन इसमें मसीह के बारे में इन तीन चीजों का ताल्लुक जो है वो इंसान की एक प्रॉब्लम है उससे है। येरो बंदे इंगा ने के थापल जो है दे सर आप लोग जो है वो लोगों को जवाब दे हैं इंगा ने मुझे का मम्मी का। अब इंसान की परेशानी या तकलीफ क्या है? इंगाने मुझे अगर ने तो मुझे आनिंदा। इंसान की जो प्रॉब्लम है वो पैसा नहीं है। इंगाने मुझे जंक्शन मुझे आनिंदा। इंसान की प्रॉब्लम उसकी सोच नहीं है। इंगाने मुझे यमचे मुझे आनिंदा। यमचे? हाँ स्पिरिचुअल। हाँ इंसान की जो प्रॉब्लम है वो उसकी रूहानी प्रॉब्लम। इंगाने हनानिंगवा हमके हाथरों चीयम बादन जोंजेनिंदा। हमारे हमके इसलिए हमको जो जमीन इंसान जो इंसान का प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जब खुदा के साथ होगा तभी वो खुशी पाएगा। हमारे में हम संदेह उच्चियम बादन कर चुन्जे का इंगान नहीं था। ऐसा शख्स जो खुदा के साथ रहकर खुशी पा सके वही जो है खुदा के बारे में गवाही दे। संसे की समझाए वो इंगाने मुझे का धारो जो इस पैदाइश की किताब उसके तीसरे बाप में उस प्रॉब्लम का जिक्र है। हदानुरो मालमियामा इंगानी झेरल बमागो हनानगा धंजल देनन इली चंसेगी समझेगी नवंगा। सदानुरो मालमियामा झेरल बमेसा हनानगा धंजल देनन इली बोरो जेसी। तीन प्रॉब्लम्स का जिक्र है। सबसे पहले शैतान का प्रॉब्लम, दूसरा गुनाह का प्रॉब्लम और तीसरे नंबर पर खुदा से अलहदा होने का। फिर से इंगाने के मूड मुझे को मिले और ये तीन प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम। इंगाने हनानगा तेरोजी में मूड मुझे को मिले। खुदा के साथ टूटना, खुदा के साथ अलग होना यही इंसान का सबसे बड़ा। बुलकुगी का मुरल तनाने मोद मुजोमदा। अगर आप मछली को पानी में से निकाल देंगे तो मछली के लिए वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बुलकुगी का मुरल तनाने सुंदर मुंजेओ को खोतुंग दादागा छुगुल सुपा किया। जैसे हम मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके लिए एक मसला खड़ा होता है, उसको तकलीफ होती है और फिर वो मर जाता है। इंगाने हनानी में तनाने सुंदर खोतुंग को छुगु मोदागा मुंजे मोदागा छुगु मोमदा। इंसान के लिए भी ऐसे है, जब वो खुदा से अलग होता है तो उसके लिए ये तीन प्रॉब्लम स्टार्ट। इंगाने वे हनानी का तनासमिका।
인산 क्यों खुदा से अलग हो गया? 죄 때문에 떠나게 됩니다. 그나 की वजह से अलग हो गया. 왜 죄를 짓습니까? क्यों गुनाह किया? 사단 때문에 그랬습니다. 샤탄 की वजह से किया. 사단 때문에 죄를 범해서 하나님을 떠나게 된 겁니다. 샤탄 की वजह से गुनाह में पड़ा और खुदा से अलग हो गया. 이것 때문에 인간이 모든 문제 오는 और इस तीन चीजों की वजह से इंसान के ऊपर तमाम परेशानियां 모든 인간의 문제는 이 세 가지입니다. 짓때 भी इंसानों के सिरे तीन प्रॉब्लम 사단에게 잡혀 있습니다. 샤탄에 से पकड़ रखा है. 죄 가운데 있습니다. 뭐 गुनाह में डूबा है. 하나님과 단절돼 있어. और खुदा से अलग. 그 때문에 모든 문제고. 이 세상에 तमाम परेशानियों से. 인간의 모든 문제를 해결하려면 이 세 가지 문제를 해결해야 됩니다. 아, 인간 की अगर सारी परेशानियों का हल चाहिए तो उसके तीन परेशानियों को हल करना. 이 세 가지 문제를 해결하시는 분이 그리스도입니다. 이 तीनों चीजों का हल जो है वो मसीह है. 인간의 문제 사단 죄 하나님 떠남 शैतान गुनाह और खुदा से अलहदगी मेशिया ये से गज शिकपुन वांग जैसाजन समझिजा मसीहा जो है वो बादशाह भी है वो नबी भी है वो काहिन भी है तीनों की इसे यंगेल देनिदा ये तीनों आपस में सदन मुंजे हेगेर हानन छमदन वांग शैतान से निपटने के लिए कामिल बादशाह जे मुंजे हेगेर हानन छम जैसाजन गुनाह से निपटने के लिए कामिल नबी हमनिम तनम मुंजे हेगेर हानन छम समझिजा और खुदा से अलहदी के मसला करने के लिए कामिल काहिन मेशिया ये धनगा यो उमिल ये छम वांग छम जैसाजन छम संजीजारन बसन यो सेगाजी मुंजे हेगेरानन चारानन तेशिंदा मसीह जो है वो बादशाह नबी और काहिन होने की हैसियत से आपके तीनों मसले जो इंसान के तीन मसले हैं इनको हल कर सकता है मेशिया ने ये सेगाजी मुंजे पुम्मान आगा इगत तेमना उन्हें मोद मुंजे हेगेराशिन बुनी अगर मसीह आपके तीन प्रॉब्लम हल कर दे तो दुनिया के जितने प्रॉब्लम इंसान के वो सब हल हो सकते हैं कंटाला नहीं दिमिता बहुत आसानी बात धर्म मालो मेशिया ने इंगा ने मोद मुंजे हेगेरे चुशिस इन्हें जानेगा कि मसीह जो है वो इंसान के तमाम मसाइल का हल और उनका जवाब दे सकता है क्रिस मेशिया का उरी इंसान ओमे उरी मोद मुंजे ने हेगेर देने का इसलिए जब मसीहा हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं यरो में 10편 23편 한번 보겠습니다 जबूर की किताब उसका 23 जबूर देखेंगे 10편 23편 23편 वे वैसे हम ये 1절 पहली आयत पढ़ेंगे पहले आयत क्या है 23 जबूर की पहली आयत खुदावन मेरा छुपाना है मुझे कमी ना खुदावन मेरा छुपाना है मुझे कमी ना होगी यहोवा는 나의 목자시니 내가 부족함이 없습니다 여호와가 나의 목자면 우리는 부족합니다. 아가 여호와 메라 메리 차단은 또 문제 किसी चीज की कमी 하나님이 나와 함께 하시면 우리는 아가 부담에 사서도 메리 거의 problem 없어. 에덴 동산에 인간이 하나님과 함께 있을 때는 아무 문제 없었어. 바게 아담에 부다 인간께 사타 또 인간도 किसी चीज की problem 없네. 메시아가 우리 인생에 오면 우리는 아무 문제 없어. 저 메시아 우리 जिंदगी में आ जाता है तो हमारी भी कोई problem 없어. 왜 그렇습니까? क्यों ऐसा? 메시아가 인간의 모든 문제를 해결하신 분이기 때문에 그게 메시아는 हमारे तमाम problems 다 해결해 드리는. 한 구절도 참고해 보겠습니다. 어디요? 요한복음 4장. 요한기 안지일 어르스가 저다 봐. 요한복음 4장에 사마리아 수가성에 여인이 나옵니다. 요한복음 4장 25절. 우스키 25절 읽겠습니다. 여기 잘 아냐? 요한복음 4장 25절. 예수님이 사마리아 여인을 만나는 장면이 나옵니다. यहां पर जो है वो एक औरत से मिलता है समारिया सारी औरत से मिलता है नो नामकन थेरोरा औरत ने उससे कहा मैं जानती हूं कि तुम मसीह जो क्रिस्टस कहलाता है आने वाला है जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा आमीन ये यही हमने얘기입니다 메시아가 오면 우리에게 모든 것을 알려 주실 것이다. 저 메시아 아이가 또 함에 허지 시카이가 허지 बताएगा. 이게 여인의 고백이었습니다. 예수 어른의 고백. 이 여인이 뛰어난 믿음을 가진 사람이 아니었어요. 예 어른지 이게 그 이만한 어른 아니지. 이 여인은 아주 낮은 사람이었습니다. 이 बहुत ही कमजोर और निचले दर्जे का. 그러니까 결혼을 다섯 번 이상 했었던. 이슬리에 5 मर्दों से शादी कर चुकी. 사람에게 지금 손가락질 욕 듣고 있는 사람입니다. 예 워르티 जिसपर로 उंगलियां उठाते हैं। 근데 그 사람도 이런 생각을 가지고 있었어요. उसके बावजूद इस तरह की जो शख्सियत की हामिल औरत थी वो भी यीशु को पहचान चुकी। 메시아가 내 인생 오면 내 모든 문제 끝난다. 제세 이 मसीह मेरी जिंदगी में आएगा मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। 메시아가 오시면 우리에게 모든 것을 알려 주실 것이다. 저 메시아 मेरी जिंदगी में आएगा तो वो हमें सब कुछ सिखाएगा। 여러분 메시아는 인간의 모든 문제를 해결하시는 분입니다. 이슬리 메시아 저 인간의 तमाम 사연과 사단에게서 우리를 건져내시는 분이
가지고 세단세 하면 주라니까가 우리 모든 죄의 문제를 해결해 주시고 그나스니 자타가 하나님 떠나 있던 우리를 하나님 만나게 하시는 그다스 절레디케 프로블럼 하나님 사도 바라 밀라네카가 우리가 메시아로 말미암아 하나님을 만나면 우리는 아무 문제 없습니다. अगर हमें मसीहा की समझ आ जाती है तो हमारे सारे प्रॉब्लम खत्म. 오랫동안 메시아를 기다리고 있었습니다. 뭐 하다세세 메시아가 인사 때 놓대. 그런 중에 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. 아, 2000살 전에 예수님이 예수님이 많은 일을 하셨습니다. 예수님은 뭐 하다 간 죽은 자를 살리고 물도고 진다 기야. 기적을 일으키고 기적 미라클. 뭐 하다 맞았기에 아, 병든 자를 고치고 비마르고 시파디 아, 좋은 말씀도 주셨습니다. 아치 마테세카이. 하지만 예수님의 사역의 키는 뭐죠? 레케 예수님의 그 미니스트리 그 키가 십자가와 부활입니다. 뭐 슬립 पर जान देना और जीव. 십자가 지시고 부활하셨습니다. 뭐 슬립 उन्होंने स्लीप पर अपनी जान दी और 십자가 지시면서 자기 피를 흘리시면서 우리의 죄 문제를 해결하셨습니다. जब वो स्लीप पर चढ़े तो अपना खून बहाने से उन्होंने हमारे गुनाहों का कफारा दिया. 할 निकाला. 히브리 십자가에 보니까 또 십자가 지면서 자기 육체를 찢으심으로 하나님 만난 길을 열었습니다. स्लीप पर इब्रानी की किताब 10वें बाब में जिक्र है कि जब वो स्लीप पर चढ़े तो उन्होंने अपने जिस्म को तार-तार करके हमारे लिए 십자가 지심으로 십자가를 지심으로 죄 문제 해결하신 제사장의 역할을 감당하셨고 जब स्लीप पर उन्होंने अपनी जान दी तो उन्होंने अपने खून के वसीला से जो काहिन थे उसका काम 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자 역할을 감당하셨습니다. उन्होंने स्लीप पर जाकर खुदा से मिलने का एक रास्ता बनाकर में 그리고 부활하셨습니다. 부활하셨습니다. उसके बाद वो जिंदा हो किए गए. 부활은 뭐죠? क्यों हुए? 죽음을 이겼다는 뜻입니다. 결국 못 but galiba mot 죽음을 이겼을 뿐만 아니라 죽음의 세력을 잡은 자를 이긴 겁니다. 그 다시 한번요. 죽음을 이겼을 뿐만 아니라 그 उन्होंने मौत पर फतह पाई. 죽음의 세력을 잡은 자를 이긴 겁니다. और मौत पर फतह पाने के साथ-साथ शैतान पर फतह. 예수님이 부활하심으로 사단의 문제를 해결하신 왕이 되셨습니다. इस तरह से हम देखें तो यीशु मसीह ने शैतान को काबू करने वाले बादशाह का काम किया. 다른 말로 예수님은 십자가와 부활로 그리스도의 일을 감당하셨습니다. अगर दूसरे लफ्ज में कहा जाए तो यीशु मसीह स्लीप पर गए और जो जिंदा हुए उन्होंने मसीहा का काम. 예수님이 그리스도입니다. 예수 जो है मसीह. 이 말을 풀어 보면 이렇습니다. 예, किस तरह से हल की जा सकती है. 예수님이 십자가와 부활로 우리 인생의 모든 문제를 해결하셨다라는 것. 예수 मसीह स्लीप पर गए और फिर जिंदा हुए उन्होंने इंसान के तमाम गुनाहों को यीशुनिमल परेशानियों का हल निकाल दिया. 예수님을 그리스도라고 믿어야 돼. 예수 जो है वो मसीह है ऐसा ईमान होना चाहिए. 내 인생의 모든 문제를 해결하셨다고 믿어야 돼. 예 ईमान होगा तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स का हल मसीह है. 예 इस बात पर ईमान लाओ. 이게 성경에서 말하는 복음입니다. 예 바이블 में जो खुशखबरी है वो यही है. 예수님을 그리스도라고 믿어야 돼. 예수 जो है वो क्राइस्ट है मसीह है. 지금 시간 된 겁니까? 오버타임. 지나서. 어디 우리 지나 시간 끝났습니다. 오늘 여기에 네. 이 시간에 네. 아, 그래요? 네. 나가야 되나요? 네. 그래서 2분만 좀. 2 minutes. 오케이. 2분만 좀. 자, 예수를 그리스도로 믿으면 어떻게 되나? 예수 메시아에 किस तरह से हम ईमान रख सकते हैं? 더 이상 요구하는 신앙이 아닙니다. 뭘 달라고 기도하는 게 아닙니다. 제가 दुआ करते तो दुआ में आप बहुत सारी चीजें मांगते हैं. 이게 아니에요. 예수를 그리스도라고 믿으면 돈이 생기는 게 아니고 예수 메시아에 ईमान रखने से पैसों के लिए हम दुआ नहीं कर सकते. 병이 낫는 게 아닙니다. 패사 नहीं है. 병이 낫는 게 아닙니다. 비마리 से शिफा मतलब 예수를 그리스도라고 믿으면 예수 मसीहा के लिए आप ईमान रखते हैं. 수많은 문제가 안 되는 거예요. जितने भी आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मानना. 돈이 없어도 괜찮고 पैसे नहीं है तो भी ठीक है. 병이 있어도 괜찮고 बीमारी है तो भी ठीक है. 문제가 많아도 괜찮습니다. प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लाइफ में तो भी ठीक है. 예수를 그리스도로 믿으면 나는 하나님과 함께 살고 जब मैं मसीह पर ईमान लाता हूं तो मैं खुदा के साथ जीता हूं. 하나님과 동행하기 때문에 아무 문제 없습니다. और खुदा के साथ जो शख्स होता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम. 성도들에게 이 믿음을 심어야 돼요. जो संगदिंदा 성도들에게 이 믿음을 심어야 됩니다. लोग जो आपके चर्च मेंबर्स हैं उनको ये चीजें सिखानी. 성도들이 이렇게 믿으면 그 성도들이 이 나라를 살립니다. जब आपके चर्च मेंबर ये बात समझ जाएंगे तभी वो इस मुल्क में तब्दीली और बदलाव लाएंगे. 자, 말씀을 마무리하겠습니다. अब हम कंक्लूड करते हैं. 예수가 그리스도다 이게 복음입니다. 예수 मसीह 예수 그리스도로 믿게 기록된 게 성경입니다.
예수 메시아의 예수 글에 읽어 여러분 이제 설교도 예수를 그리스도로 믿게 하는 설교여야 되고 अगर आप लोग जो सरमन देते हैं उनमें यीशु मसीह और उसको अच्छी तरह समझाने के लिए आप अगर सरमन दे सकें 여러분의 사역도 예수를 그리스도로 믿게 하는 사역이어야 합니다. तो आप लोग की जो मिनिस्ट्री है वो भी यीशु मसीह ही है ऐसी ही मिनिस्ट्री 오늘 짧게 설명된 이 말이 정말 여러분 가슴에 부딪힌다면 अगर आज हमने बहुत शॉर्ट आप लोगों के मैसेज दिए हैं अगर आप लोगों के दिलों में कोई जगह बना सके 그런 사람과 함께 세계 복음화 같이 하고 싶어요. 우리 शख्स के साथ हम लोग इस पूरी दुनिया में मुनादी का काम करना चाहते हैं. 감사합니다. थैंक यू वेरी मच. 수고하셨습니다. 고맙습니다.